हमीरपुर में प्रदेश युवा कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। गांधी चौक पर एकत्रित होकर युवा कांग्रेस के दर्जनों पदाधिकारियों ने गुब्बार निकाला और मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाने के बाद पीएम मोदी का पुतला भी जलाया। हालांकि युवा कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सुबह से ही पुलिस का पहरा था, लेकिन फिर भी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुनेश कुमार के साथ दर्जनों सदस्यों ने पीएम मोदी का पुतला जलाया। इस बीच युवा कांग्रेस और पुलिस के जवानों के बीच झड़प भी हुई। गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन के दौरान पुतला जलाते वक्त एसएचओ सदर जगदीश सिंह ने युवाओं को पुतला जलाने से रोकने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी युवाओं ने पुतला जलाया। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण बना रहा और जमकर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। पुतला जलाने के बाद युवा कांग्रेस ने डीसी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी भेजा। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मुनीश कुमार ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश की जनता को छला है, क्योंकि देश में हालात खराब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीएसई के पेपर लीक हो रहे हैं तो निर्वाचन आयोग की जानकारी पहले ही सार्वजनिक तौर पर जाहिर हो रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने आरएसएस की विचारधारा का पुतला जलाया है, लेकिन पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन फिर भी युवाओं ने पुतला दहन किया। इस अवसर पर एनएसयूआई के पूर्व उपाध्यक्ष सौरभ कटोच, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश पठानिया, सुकांत भाटी के अलावा काफी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, पिछले कई दिनों से हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ा है। वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों के खिलाफ ये आंदोलन छेड़ा है। आज जैसा कि हमीरपुर जिले की बारी थी तो यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और गांधी चौक पर हमने पुतला दहन किया आरएसएस और भाजपा की विचारधारा का। मैं ये नहीं कहूँगा किसी व्यक्ति विशेष का, क्योंकि आज देश किस दिशा में जा रहा है। सीबीएसई के पेपर जो है लीक हो रहे हैं, एसएससी के पेपर लीक हो रहे हैं और जो चुनाव की जो डेट्स है वो लीक हो रही है, उसके खिलाफ हमने आज ये धरना दिया। और प्रदेश सरकार की भी जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उसके खिलाफ जिस तरह से कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, पूर्व सरकार ने जो जनहित में फैसले लिए थे उनकी जो अधिसूचनाएं रद्द की जा रही है, यूथ कांग्रेस के साथियों पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, इसके खिलाफ हमने सामूहिक रूप से आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का पुतला फूंका। इसमें चाहे आप जयराम ठाकुर जी को मान लें, चाहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का नाम ले लो, चाहे नरेंद्र मोदी जी का नाम लो, हमने सामूहिक रूप से आरएसएस विचारधारा का पुतला फूंका। और मैं कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और जो कर्मचारियों का इस प्रदेश के अंदर उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ हमने ये पुतला दहन किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी और पुलिस प्रशासन इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन को कुचलना चाहती थी। किस तरह से देखा आपने कि पुलिस के जो यहाँ के कर्मचारी है वो लाठी भांगने पर तैयार हो गए और उनके साथ छीना झपटी, बड़े शर्म की बात है। एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। मैं पुलिस के भाइयों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपनी कर्तव्य और जिम्मेवारी का निर्वहन करें, वो आरएसएस के डंडे पर ना चले। अगर इस तरह से ये आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया तो यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी और प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी हद तक यूथ कांग्रेस जा सकती है। ये आज हमारा 10वां जिला था हमीरपुर, सिर्फ दो जिले हमारे बच्चे हैं, किन्नौर और लाहौल स्पीति। वो मौसम की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए, अप्रैल माह में हम वहाँ जाएंगे और इसके बाद विधानसभा स्तर पर और जोन स्तर पर हमारे जो प्रभारी हैं यहाँ के लोकसभा हमीरपुर के विवेक कुमार जी, वो जोन स्तर और पंचायत स्तर पर इस आंदोलन को लेकर जाएंगे और उसकी रूपरेखा आगामी समय में आपको बताएंगे। आप देखिए, जिस तरह से पूर्व सरकार ने जो फैसले लिए थे, जो जनहित में फैसले लिए थे, चाहे वो जलाश का पॉलिटेक्निकल कॉलेज हो या कसोक का पॉलिटेक्निकल कॉलेज हो या कई जगह के पुलिस स्टेशन हो या पुलिस चौकी हो या सीएससी हो या पीएससी हो, उनकी जो अधिसूचनाएं गलत उन्होंने रद्द की है वो बहुत ही गलत है। उसमें सरकार का ये तर्क है कि उसमें इन्होंने बजट का प्रोविजन नहीं रखा है। आप ऑनलाइन बजट सर्च कर सकते हैं, कई जगह 10 लाख तो कन्वर्ट नहीं है, 50 लाख है, 40 लाख है। ये अगर सरकार कोई काम कर दिया, अधूरा काम रहता है तो जो वर्तमान सरकार है वो उसको पूरा करती है। इसको बंद ना किया जाए। जिस तरह से आज किन्नौर के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज नहीं है, लेकिन किन्नौर का जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है वो रोडों में चल रहा है, कुल्लू जिले का जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है वो सुंदरनगर में चल रहा है। हमारी यही मांग है उसी तरह से बंद करने के बजाय अगर दलाश और कसोक के जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है वो किसी और जगह व्यवस्था उसको कर सकते थे और सुचारू रूप से लागू कर सकते थे। ये धीरे धीरे जो चरणबद्ध तरीके से हमने जो योजना बनाई है, अगर जिला स्तर पर हमने आंदोलन किया है तो विधानसभा स्तर पर करेंगे, उसके बाद जोन स्तर पर फिर जागरूकता अभियान चलाया जाए। ये तो लास्ट स्टेप है कि क्रमिक अंशन और आमरण अंशन, इसके बारे में हम आपको बहुत जल्दी ही बताएंगे। अगर इस तरह से इन्होंने अधिसूचनाएं रद्द करनी शुरू कर दी तो हम विधानसभा तो चलेगी, सीएम हाउस का घेराव और सचिवालय का घेराव करने से भी पीछे नहीं आते।